इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। दिल की बर्बादी के बाद उनका पैगाम आया तो क्या मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गई जब सब ख्याल। उस घड़ी जब नामक पर पैगाम लेकर आया तो क्या, तो बर्बादी आने से पहले हम उसके तदारुक का जो है कुछ सोचें। लिल्ला हो सकता है कि 100 साल के बाद मौलवी फिके कहे बेईमान कौम, आप जब उम्मत बर्बाद हो रही थी तो आप क्या कर रहे। तो इसी मकसद के तहत मैंने कुछ ख्यालात का इजहार मैं आप से करना चाह रहा हूं, जिसके मकासद ये हैं, जिन मकासद के तहत हमने सोचा था कि ये पूरा तरबियती कोर्स हो, और इस तरबियती कोर्स का पहला मकसद टू एजुकेट द पार्टिसिपेंट्स टू प्ले एन इफेक्टिव रोल इन अ मैरिड लाइफ। हम अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को शादी के बंधन में बंधवा तो देते हैं, लेकिन शादी क्या है और शादी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम सिर्फ नौजवान होना या लड़का कमाना या लड़की बालिग होना यही सोचते हैं। बाकी शादी के तमाम इंतजाम हम करते हैं, लेकिन इस चीज़ का कभी इंतजाम नहीं किया कि जिस लड़की और जिस लड़के को हम शादी के बंधन में पहुंचा रहे हैं, क्या वो जिम्मेदारी को निभाने के काबिल भी है कि नहीं, उसे वो जिम्मेदारी का एहसास भी है कि नहीं। बस इसी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए इस तरबियती कोर्स का इंतजाम करना चाह रहे हैं, जिसमें आप तमाम ही अहले इल्म और दानिश, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, सबका साथ और सबके ताउन की हमें जरूरत है। हमने ये सारी उपलब्धियां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम और उलमाए किराम की दुआओं की वजह से हासिल किया है। इसके लिए हम सभी उलमाए किराम का तहे दिल से अदा करते हैं। इसके अलावा पिछले साल भी 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी से भी नीट एग्जाम में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आए थे मिस्टर शोएब अफ्ताब, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एम्स दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए नमूना है कि हम सभी लोगों के साथ कम्पीट कर सकें और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ सकें। ऐसा साथ शेयर करना है वो ये है कि इस्लाम अल्लाह का दीन, जो अभी मैंने सूरह मायदा की आयत तिलावत की, बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने मेरे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद किया और अपनी नियामत की तकमील कर दी। बहुत बड़ी नियामत है। ये दीन वो दीन है जो हमारी दुनिया भी बनाता है और आखिरत भी बनाता है, कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करता है हर शोबे में। और फिर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को एक कौम नहीं बनाया, एक बहुत बड़े मकसद, एक मिशन, एक गोल देकर इस दुनिया में भेजा। हम दूसरी कौमों जैसी कौम नहीं है। हमसे कहा गया है कि देखो अब तुम वाहिद उम्मत हो जिसके पास मेरा कलाम मौजूद है, मेरे नबी की मुकम्मल सीरत मौजूद है, दूसरों के पास नहीं है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम खैर उम्मत हो, तुम उम्मत वस्त हो, तुमको मेरे दीन की शहादत देनी होगी, इसकी गवाही देनी होगी, इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी में इसका नमूना बनना पड़ेगा, दुनिया को इसकी तरफ दावत देनी होगी। वो लोग जो अंधेरे में भटक रहे हैं, नहीं जानते उनका खुदा कौन है, नहीं जानते कि किस लिए दुनिया में आए हैं, नहीं जानते कि कहाँ उनको लौट कर जाना है, कैसे ज़िंदगी गुजारना, तुम्हारे पास ये रोशनी मौजूद है, अब ये तुम्हारा काम। और फिर इससे बढ़कर
मेरे ज़मीन पर मेरे दीन को नाफिज करना है, उसको सरबरंद करना है, इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलाना है। ये काम, ये संघर्ष, ये जद्दोजहद के लिए, इस उम्मत को तैयार करने के लिए कदम कदम पर अल्लाह ताला ने रहनुमाई की और इसके लिए खानदान पर बहुत ज़्यादा जोर किया। मिसाल के तौर पर कोई कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है, वो टारगेट बनाती है कि भाई हम मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, 1000 करोड़ का टारगेट हमारे सामने है और उसके लिए रहनुमाई करती है, गाइडेंस देती है, वर्कशॉप चलाती है, लेकिन अंदर का उनका सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, आपस में इत्तेफाक नहीं है, टूटे हुए बिखरे हुए हैं, तो टारगेट कैसे हासिल कर सकेंगे, वो तो नाकाम हो। तो इसलिए कुरान एक तो उम्मत के इत्तेहाद पर फोकस किया कि देखो तुम्हारी मंजिल वो है, मेरे दीन के सरबुलंदी के लिए सबको जोड़कर उसके तरफ काम कर, वो तुम्हारा गोल है। और खानदानी निज़ाम को बहुत मजबूत, बहुत मजबूत है। मगरिबी तहजीब और तमद्दुन का तूफान, ऐसे हमारे नौजवानों को बाहर ले जा रहा है, दीन के नाम पर सिर्फ हम इतना कर रहे हैं कि कुछ चीजें अपने बच्चों को सिखा करके हम समझ रहे हैं कि हाँ दीनी तालीम दी। और वो क्या है? वुजू करना, चंद कुरान की आयतें सूरे याद करवाना, चंद दुआएं याद करवाना, नमाज का तौर तरीका, तिलावत कुरान मजीद, बस इतना हो गया तो हम समझ रहे हैं कि हम अपने औलाद को थोड़ा दीन सिखा दिए। जबकि दीन सिर्फ इतना ही, इसका नाम नहीं है। और आते आते तो ऐसा हो गया है कि दीन आकर के मस्जिद में सिमट करके रह गया है। दीनदार आदमी का नजरिया हमारे नजदीक क्या हुआ? अरे बड़े दीनदार हो, क्या मतलब है 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो उसको दीनदार समझ लिए, दिन का हक उसने अदा कर दिया 5 वक्त की नमाज पढ़कर। हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में। सिर्फ दीन क्या चीज है, मैंने बड़े लोगों से सुना है, क्या आम फहम अंदाज में कहा जाए, अपनी जिंदगी का दुनिया का हर काम अल्लाह और उसके रसूल के मर्जी के मुआफिक करना यही है। हम दीन सिर्फ नमाज रोजा तिलावत इन चीजों को समझ बैठे हैं, नहीं। अगर कोई ताजिर है तो तिजारत में भी उसके लिए दीन है, अगर कोई नौकरी पेशा है तो वहां भी दीन रहबरी और रहनुमाई करता है। हर शोबे में, जैसे कबीर अक्सर फरमा रहे थे कि जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ा है आकर को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें कयामत तक के लिए जमाना कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, कैसे ही तगयुर और तबद्दुल से गुजर ले, मगर आकर को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी और रहनुमाई हमारे सामने खड़ी नजर आए। आज जिस मौजू पर बहुत मालूमाती, मुफीद और बहुत जरूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे साथी डॉक्टर कादरी ने पेश किया, वो काबिले सताइश इसलिए कि ये इस तरह के प्रोग्राम वक्त की अहम जरूरत। हमारे माशरे के जो अहम मसाइल हैं वो तीन हैं, एक तालीम और मियारी तालीम की कमी, दूसरी तरबियत की कमी। लेकिन दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, बल्कि सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी ने एक तहकीकी प्रोग्राम किया था ये जानने के लिए कि
सर्कस और राकस की कामयाबी के लिए क्या है? तालीम अहम है, तरबियत अहम है, या रुझाना एटीट्यूड अहम है? तो उस तहकीक प्रोग्राम के नतीजे में जो हकायक सामने आए वो ये थे कि हरकस और नाकस की जिंदगी की कामयाबी के लिए 85% मस्बत मिजाज है। अल्लाह मिलेगा तुम्हें, अल्लाह की रजा भी तुम्हें मिलेगी निकाह के रास्ते के जरिए, निकाह का रास्ता। अब ये जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं समझता हूँ ये रुबानियत का जमाना नहीं, इबाहियत का जमाना। इबाहियत का माना उस जमाने को मैं औरत को इसलिए छोड़ा जा रहा था, रिश्ता नहीं किया जा रहा था कि अल्लाह नहीं मिले। इस जमाने में शादी इसलिए नहीं की जा रही है कि आदमी ये समझ रहा है कि शादी करके मुश्किलात में क्यों पड़े। भाई आसानी पैदा करो, जायज करो हर चीज को, और औरत को भी फ्री करो और मर्द को भी फ्री करो। इसी को उर्दू जबान में इबाहियत कहते हैं। हुजूर ने फरमाया ना तर न रुहबानियत जायज है, न इबाहियत जायज है, निकाह जायज है। इसी को कहते हैं अन्निकाह मिन सुन्नती। ये प्रोग्राम की जरूरत इसलिए पेश आई है कि हम सब देख रहे हैं कि सिर्फ बेलगाम शहर में नहीं, पूरे मुल्क में कसरत से निकाहों के बाद प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स का सलूशन ये है कि शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन और उनके माँ बाप को बिठा कर समझाया जाए कि जो नई जिंदगी शुरू हो रही है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी क्या है, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है। जब तक ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं पैदा होगा ये रिश्ता फल फूल नहीं सकता, बाकी नहीं रह सकता। इसलिए आज ये प्रोग्राम की पहली नशिस्त है और बहुत गौर व फिक्र के बाद सिर्फ 50-60 लोगों को जोड़ा गया, ये सोच करके कि शहर के मुंतखब हजरात के सामने पहली नशिस्त रखी जाए और उनके सामने कुछ राय मशवरे की शक्ल इख्तियार की जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस बारे में राइटिंग में माइक में राइटिंग में आप अपनी राय का इजहार करें। मैं समझता हूँ हर एक इसको वक्त की ज़रूरत महसूस कर रहा है, मगर मैं क्या तआवुन कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई है, सबसे बड़ा मसला है कि इसका सिलेबस तैयार करना। हमारे लिए एक बड़ा मसला है कि सिलेबस माशाल्लाह जमात इस्लामी वालों ने इस पर बहुत काम किया है। एक बात मैं आज करना चाहता हूँ, आज से 30-35 साल पहले हमारे यहाँ पर एक बुल्डाना के आलिम साहब आते हैं, उनका नाम मुजाहिद इकबाल था। उन्होंने सबसे पहले इसका तसव्वुर पेश किया, उस तसव्वुर में उन्होंने सैयद उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में तालीम के निज़ाम को ढूंढ कर निकाला। उस तालीम निज़ाम में तरबियत कैसे होती है एक उमूमी निज़ाम था, और उस वक्त के एक उमूमी अंदाज में हर एक से कहा गया था कि एक उमूमी निज़ाम हो कि जितने भी हमारे इस रियासत में मर्द या औरत रहते हैं ये तालीम उनके ज़ुम्मे है, उनको पढ़ाई जाए। उसमें एक तो चीज़ एक थी कि सूरह नूर की तफसीर उसके अंदर मौजूद थी, उसके अहकाम थे। इसी तरह सूरह अहज़ाब के तफसीर उसके अहकाम थे और सूरह निसा की तफसीर और अहकाम थे। इसके हिसाब से उन्होंने उस ज़माने में, मुझे अच्छी तरह याद है, हम अभी पढ़ रहे थे तो ज़्यादा हम तवज्जो नहीं दिए, उन्होंने एक सिलेबस बनाया था और सिलेबस का खाका भी बनाया था, उस खाके के अंदर ग्रेड भी तकसीम किए थे। और जो हजरत ऐसे हैं जो बड़े हजरत हैं सर्विस वगैरह जाते हैं उनको कैसा तालीम दी जाए, उन्होंने एग्ज़ाम बनाया था, लेकिन वो ज़्यादा दीन अधेर से, शायद वो खाका मेरे पास मौजूद है, अगर उसको देखें तो हमें इस पर रहनुमाई मिल सकती है। तो अगर हम ये सब हजरात अगर ये सोचते रहेंगे तो ऐसी चीज़ें खुद ब खुद सामने आती जाएंगी,
और जब हम ये उम्मत अल्लाह के भरोसे पर कोई काम को लेकर उठती है तो अल्लाह ताला उसका माबीरों मददगार बनता है।